हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है। आज न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अमीबा जो होता है बच्चे, माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इट इज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म, इररेगुलर शेप। देखिए, इस टाइप की अगर शेप्स होती हैं ये रेगुलर शेप्स होती हैं, और अगर इस टाइप की कुछ इस टाइप से शेप होती हैं इनको हम बोलते हैं इररेगुलर। देखिए, कहीं से स्मॉल है कहीं से बिग है। दिस इज टर्म्ड एज इररेगुलर शेप। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड न्यूक्लियस। हेयर न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड एज सच वे, एंड दिस इज फूड वोकल एंड दिस इज सूडोपोडिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वोकल्स। बबल लाइक वोकल्स होती हैं। अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट शेप। अमीबा में ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने शेप को चेंज करता रहता है। इट गिव्स वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन्हीं की हेल्प से ही वो अपना खाना अंदर लेता है। दैट मीन्स दे आर नोन एज फॉल्स फिट और सूडोपोडिया। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें कोई भी माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई वर्क नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑन सेंसिंग फूड। जैसे ही इसको फूड का सेंस होता है, अमीबा गिव्स आउट सूडोपोडिया। तो जो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये इनको बाहर की साइड इस टाइप से फिंगर्स आपको दिखाई देने लग जाती हैं। सेंस करता है फूड को एंड अल्टीमेटली टेक द फूड इनसाइड द बॉडी। और जब भी इसको फूड दिखाई देता है, स्मेल करता है, सेंस होती है, तो ये फूड को अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फंसा लेता है। फूड पार्टिकल्स इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाते हैं। अब डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑफकोर्स डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस विच इज परफॉर्म बाई डाइजेस्टिव जूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प से फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट होता है फूड वोकल में, जो कि ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर सब्सटेंसेज में। और डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होगा, और अमीबा का जो साइज है वो ग्रो होने लग जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है एक पॉइंट पे इकट्ठा होके कलेक्ट होके विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वोकल थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, मैंने आपको बताया आज अमीबा क्या होता है और अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। होप सो फॉर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के साथ। इससे पहले आप ये वाली एक्टिविटी अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन करके रखना, और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं आप इनको खुद सोल्व आउट कीजिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। होप सो फॉर यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।